तो गाइस जब भी मैं YouTube को ओपन किया तो YouTube की तरफ से एक बैड अपडेट आया था। अगर आप नए यूट्यूबर हो तो ये अपडेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बैड होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जब भी मैं YouTube को ओपन किया, जब भी उस अपडेट को मैंने देखा तो खुद मैं हैरान हो गया कि नए यूट्यूबर के साथ ये YouTube ने एक ऐसा कर दिया, ऐसा बैड अपडेट क्यों कर दिया। मैं खुद भी हैरान हो गया था उस अपडेट को देखने के बाद। तो वो अपडेट कौन सा है वो मैं आपको सबसे पहले आपको बता देता हूँ। पहले क्या होता था, आप अपने YouTube चैनल को जो सब्सक्राइबर है उसे हाइड कर लेते थे। क्यों हाइड कर लेते थे, कि कोई भी आपका YouTube वीडियो को देखता था तो क्या होता था, वहाँ पे आपका सब्सक्राइबर कम देखता था, इसलिए आपको YouTube चैनल को वो सब्सक्राइब नहीं करता था। इसीलिए नए यूट्यूबर क्या करते हैं, अपने YouTube चैनल को जो सब्सक्राइबर है उसे हाइड कर लेते हैं। अगर YouTube की तरफ से ऐसा अपडेट आया है कि जो पहले आप अपने YouTube चैनल का जो सब्सक्राइबर है उसे हाइड कर लेते थे, मगर 29 तारीख के बाद से आप अपने YouTube चैनल का जो सब्सक्राइबर है उसे आप हाइड नहीं कर सकते। जो सब्सक्राइबर हाइड करने का जो ऑप्शन होता है वो YouTube वहाँ से हटा देगा। 29 तारीख के बाद से आप अपने YouTube चैनल का जो सब्सक्राइबर उसे हाइड नहीं कर सकते। जो पहले से जो हाइड करके रखे अपने YouTube चैनल का जो सब्सक्राइबर, उसका जो सब्सक्राइबर ऑलरेडी हाइड है उसका ऑटोमेटिकली ऑन हाइड हो जाएगा। दोस्तों यही YouTube की तरफ से अपडेट है, जो ये नए यूट्यूबर के लिए काफ़ी ज़्यादा ये बैड अपडेट है। तो वीडियो यही थी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बैल को दबा के ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। हाँ भाई, चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह स्मार्टिस वीडियो आपका भाई आपके लिए लाता रहता है। चलिए तो भाई।